हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर में। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे, ये हमारा नॉक नी का पार्ट टू है। पिछले में हम लोग देखें कि क्यों होता है, कैसे टेस्ट करें कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, नॉक नी है कि नहीं है। अभी जो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं, स्पेशलाइज की कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखें। जो तीसरा वीडियो बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट का कैसे रोल है, क्या हमारे इसके हमारे सपोर्ट में कहां हमें स्प्लिंट लगाना चाहिए, कहां पैरों में वेजेस लगाना चाहिए। तो आज फिर एक बार बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात यह है कि यदि हम नॉकनी ठीक नहीं करते हैं तो हमें क्या नुकसान होने वाला है। एक तो सबसे पहली बात कि यदि नॉकनी आप सही नहीं करते हैं तो मीडियल प्रेशर आने की वजह से प्री मेच्योर आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो चूंकि हमारा जो हिप है इस तरीके से रहता है, ये अंदर की तरफ आता है, तो ये ज्वाइंट पे भी प्रेशर पड़ता है और नी पे भी प्रेशर पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में प्री मेच्योर आर्थराइटिस हमारे हिप में भी होगी और हमारे नी में भी होगी। इसके अलावा लिगामेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाता है, लिगामेंट पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके अलावा मिनिस्कस टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि एक बात करें तो यदि ये हमारा अलाइनमेंट जब डिस्टर्ब होगा तो ये जो हमारा पटेला है ना, ये चक्की, ये पटेला ट्रैकिंग सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो पटेला गोल होता है, ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये अंदर आएगा और ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये पटेला ट्रैकिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं एक कंबाइंड ओवरऑल, तो यदि नॉक नी की प्रॉब्लम है तो हमारा पेल्विक का जो है ना, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है और इसकी वजह से कमर में प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और आपका जो फुट का आर्क है, जिसको हम फ्लैट फुट बोलते हैं, इस आर्क में बदलाव आ जाता है। तो यदि कंप्लीटली देखें तो ये नॉक नी ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारे पूरे लोअर एरियाज को डिस्टर्ब कर रही है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, एक्सरसाइज में ये लेवल है ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, बिकॉज हर एज ग्रुप में एक तरह की एक्सरसाइज नहीं है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस घुटने के नीचे जो गड्ढा है, यहाँ पे एक पिलो या टॉवल का रैप बना कर रख लेंगे और इसको दबाइए। कॉन्ट्रैक्शन करना है और ये धीरे से उठ जाएगा। दबाइए इसको, यस, और 5 सेकेंड तक होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। और ये ध्यान रखना है यहां से नहीं उठाना है, केवल घुटने को दबाइए। 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड तक होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक फ्लैक्सी बॉल लेते हैं, दोनों घुटने को मोड़ते हैं, मोड़िए इसको, आपस में दबाइए, पेट को अंदर की तरफ टमी टक करना है और इस पैर को सीधा उठाइए, इस पैर को दबाते हुए। ये हमारे वीएमओ मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है, पंजे को ऊपर खींचिए, 5 सेकेंड की होल्ड करना है, फिर इसको धीरे धीरे मोड़ना है अगेन, फिर इसको दबाइए और फिर इसको ऊपर उठाइए, यस। इससे हमारी वीएमओ मसल स्ट्रेंथन होती है। पहले इसका करना है 10 बार, फिर इसको करना है। इसके अलावा मेरी तरफ करवट ले लेंगे आप, बराबर लेट के इस पैर को ऊपर उठाना है, डाउन, इसमें टच नहीं कराना, उठाया फिर धीरे धीरे नीचे लाया फिर उठाया, इसको 10 बार करना है। इसी का नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज के लिए हम थायराबैंड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग थायराबैंड को यूज करते हैं, रेजिस्टेंस बैंड बोलते हैं, जिससे कि मसल को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा सके। तो इसमें अलग अलग कलर के अलग अलग रेजिस्टेंस बैंड आते हैं। तो ग्रेजुअली हम लोग लोअर से अपर की तरफ चलेंगे। यदि आप देखेंगे तो ये दोनों पैर को इसमें लगा लिया और ये एंड पे लेके आए और नीचे वाले पैर को स्टेबल रखना है और इसको ऊपर की तरफ उठाना है, उठाइए और 5 सेकेंड होल्ड करना है, देन डाउन करना है, अप। और ये ध्यान रखिए ये आगे ना जाए, ये पीछे ना जाए, ये सीधे नीचे से आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जाए, रूफ की तरफ, डाउन। इसके अलावा यदि किसी के पास थायराबैंड या रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो माइल्ड रेजिस्टेंस के लिए वॉल के पास, चूंकि यहाँ वॉल नहीं है इसलिए वॉल के लिए मैंने ये सरफेस बनाया है, पेशेंट को आराम से लेटा देना, लेट जाइए, नहीं उसी तरह लेट जाइए, इस पैर को मोड़ना है और ये बराबर, ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये बराबर, थोड़ा सा और आगे खिसक जाइए और गर्दन को रिलैक्स रखना है,
अब इस पैर को प्रेस करके, प्रेस करना है और प्रेस के वॉल को प्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाना और इसको भी ऊपर उठाना, फिर इसको प्रेस करके नीचे लाना। तो इससे यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलेगा और ये मसल की हमारी अबडक्टर मसल की स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा आर्म सेला एक्सरसाइज बोलते हैं, बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये नॉक नी में इंटरनल रोटेट होता है, इसको सही करने के लिए दोनों पैर को यहाँ पे हम जोड़ लेंगे और इस पैर को ऊपर उठाइए, यस डाउन, और आप आराम से सीधा इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे, ये हाथ यहाँ रख के उठाइए इसको, इसको रोका और 10 बार करेंगे। फिर जो रेजिस्टेंस बैंड हम यूज कर रहे थे यहाँ पे, यही रेजिस्टेंस बैंड हम जब आ जाएगी तो नेक्स्ट लेवल पे रेजिस्टेंस के लिए इसको उठाइए, यस। तो ये रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रोटेशन में भी हेल्प करेगा। रिलैक्स, फिर लाइए, रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमेशा सीधा लेटिए, इस पंजे को दोनों को ऊपर करना, अप डाउन, दोनों को सका लेना, आप ऊपर लाइए, अप, 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर इसको नीचे ले जाना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है, फिर ऊपर लाना है, इसको 10 बार करना है। इसके अलावा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि हम लोग बोल रहे थे कि ये इसको बाहर की तरफ रोटेट करी हुई है, इसको पॉपलिटियस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो मसल रिलीज करनी है और स्ट्रेचिंग है, वो मैं आपको सेल्फ मॉडल बन के बता रहा हूँ। हम लोग पॉपलिटियल मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे, तो इस पैर को हमेशा, ये पैर जमीन पर रखना है, मैं ये अच्छे से विजिबल हो इसलिए इस पर रखा हूँ, इसको हमेशा नी को स्टेबल करना है और इस पैर को उठाए बिना अंदर की तरफ ले जाना है। तो जब हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो इंटरनल रोटेशन ऑफ टिबिया होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। ये अंदर की तरफ जब जाएगा तो जो हमारा नॉक नी में बाहर की तरफ जा रहा था वो रुक जाएगा, तो नॉर्मल से इसको लाना है। बट ये ध्यान रखना है कि नी को रोटेट नहीं करना, एड़ी नहीं हटेगी, ये अंदर की तरफ लाए, 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर नॉर्मल, फिर अंदर की तरफ लाए, 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर नॉर्मल। ये हमारी स्ट्रेंथनिंग, इतनी एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा ये फोम रोलर है, ये मसल को रिलीज करना, यानी जिसकी मसल टोन बहुत ज्यादा है, टाइटनेस है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें एडक्टर मसल जो बोल रहे थे, ये अंदर की मसल जो है ये टाइट हो जाती है। तो एक तो इसके लिए स्ट्रेचिंग जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ के और ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके 15 से 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मली छोड़ेंगे। किसी में बहुत ज्यादा टाइट है तो वो धीरे धीरे इसको पास रख के थोड़ा दूर रखे और फिर इसको स्ट्रेच करें, 15 सेकेंड होल्ड करें, देन रिलैक्स करें, बिकॉज ये एडक्टर मसल की टाइटनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसी मसल को, एडक्टर को हम कैसे रिलीज करेंगे ये हम देखेंगे। इसको यहाँ पे रख लिया, ये पोजिशन इस तरीके से ले लिया और इस पैर को थोड़ा सा रोटेट करके एक्सटर्नली इस मसल पर रखा और इसको रिलीज किया, इससे हमारी एडक्टर मसल को रिलीज होगी। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक रिलीज करेंगे। ये ध्यान रखना है, बच्चों में बहुत प्रेशर नहीं देना है क्योंकि उनकी मसल बहुत टाइट नहीं होती, तो इससे हम रिलीज करेंगे, एक रिलीज ये करेंगे, दूसरी रिलीज हम काफ मसल की करेंगे। काफ मसल के लिए आप देखेंगे यहां पे हमने रखा, दोनों हाथ को पकड़ा, ये हम काफ मसल को 1 से 2 मिनट के लिए रिलीज करेंगे। इसमें इस मसल पे दबाव पड़ना चाहिए और ये मसल लूज होनी चाहिए। इसके अलावा ये हार्ड बॉल होता है जो मसल को रिलीज करने के लिए आता है। तो बेसिकली जो लेटरल हेमिस्ट्रिंग है, जिसको हम बोलते हैं बाइसेप फिमोरिस, इस मसल को रिलीज करेंगे। तो इसके लिए छोटे बॉल को हम यूज करेंगे, हार्ड बॉल। यदि नहीं है तो आप कोई भी सख्त बॉल, टेनिस बॉल वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ रखा हुआ है, और इस पे हल्का हल्का हमें लेटरल हेमिस्ट्रिंग को रिलीज करना है, जिससे कि ये रिलीज हो जाएगी। तो जैसे रिलीज होगी मसल, वैसे जो टाइटनेस है वो छूटेगा, और जब हम स्ट्रेंथन करेंगे तो जो मसल कमजोर है वो मजबूत होगी, तो इसका अलाइनमेंट धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसमें 100% रिजल्ट है। यदि ये ओवरवेट की वजह से है,
या और किसी वजह से है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा यदि मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं, और कुछ एक्सरसाइज हमें कंबाइंड एक साथ करनी होती है, जैसे कि आप देखेंगे एक पैर पे खड़ा होना, एक पैर पे खड़ा होने में हमेशा ध्यान रखना है कि पैर का फुट का प्लेसमेंट अच्छा हो, ये पैर को बाहर की तरफ रखने की कोशिश करना है और नॉर्मली बैलेंस करना है। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं कि इस पैर को दीवार की तरफ रखें और दीवार की तरफ ऐसे एक पैर पे करके और मेंटेन करें, जिससे कि ये फोर्स देंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगा और अलाइनमेंट इसका बैलेंस होगा। क्या न करें, हमेशा इस चीज का ध्यान दें। ज्यादातर लोग ये डब्लू पोस्चर बना के बैठ जाते हैं, ये डब्लू, ये पैर बाहर की तरफ, ये पैर, ये ऐसे नहीं बैठना है। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा बड़े लोग जब कार ड्राइव करते हैं तो वो ज्यादातर ऐसे ड्राइव करते हैं, इसका पोस्चर का ध्यान रखें कि पोस्चर क्या न करें जिससे कि प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो। तो इस चीज का ध्यान रखें, ऐसे न चलाएं, और खड़ा होते वक्त अपने पोस्चर में ध्यान रखें कि दोनों पैरों की दूरी बराबर रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये बहुत यूजफुल है। यदि कोई जानने वाला व्यक्ति है जिसको इसकी जरूरत है तो जरूर जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।